हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। ह्यूमर चलेंगे किसको, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ हेड करेंगे या साबिक गवर्नर से मिश्रित बाद हेड करेंगे इसको, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं बिल्कुल बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि दोनों में से कोई भी इस मर्जर को हेड नहीं करेगा। और ये मर्जर जो है जो होने जा रहा है पीएसपी का और एमपीएम का, इसके अंदर पार्टी इलेक्शन होंगे और पार्टी इलेक्शन के बाद जो चुना जाएगा बंदा वो इसको हेड करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने जो क्लिप देखा जी, ये उस वक्त का क्लिप है जो कि हमारे आज न्यूज़ ने कैरी किया, एंड द क्रेडिट गोज़ टू आज न्यूज़, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी पीएसपी की और एमक्यूएम की, उस वक्त ये क्लिप दिया गया और उसमें मैंने बिल्कुल क्लियरली बता दिया था, क्योंकि र्यूमर्स ये चल रही हैं और चल रही थी कि जनाब साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ या साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत आबाद, इनको जो नया मर्जर हुआ है पीएसपी का और एमक्यूएम का, इसको हेड करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ना साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ इसको हेड करेंगे ना इसको जनाब इशरत आबाद हेड करेंगे। पार्टी के अंदर ये जो नया मर्जर हुआ है पीएसपी का और एमक्यूएम का, इसके अंदर पार्टी के अंदर इलेक्शंस कराए जाएंगे और इलेक्शंस के बाद जिसको चुना जाएगा वो सरबराही करेगा जनाब इस पार्टी की। इसका नाम भी मुख्तलिफ होगा, वो तो खैर आप सुन चुके हैं, लेकिन द एक्सक्लूसिव थिंग इज़ के इसके अंदर इलेक्शंस होंगे, पार्टी के अंदर इलेक्शंस होंगे, पार्टी के अंदर चुनाव किया जाएगा नए लीडर का और उस लीडर को सामने लाया जाएगा जो कि पीएसपी और एमक्यूएम को लीड करेगा और वो एक लीडर के तौर पर सामने आएगा। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब और इशरत आबाद साहब ये पार्टी को लीड नहीं करेंगे जैसे कि र्यूमर्स चल रही हैं। दूसरी बात यह है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो वापस आने को तैयार हैं और वो उनकी वापसी का ऐलान, उनकी वापसी के ऐलान की तारीख जो है वो किसी वक्त भी कर दी जाएगी और परवेज़ मुशर्रफ साहब वापस आने के लिए तैयार हैं और उनकी वापसी, जैसे मैंने कहा जी, कि किसी वक्त भी उनकी तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि फरियाल तालपुर साहिबा ने कुछ रोज़ पहले मुझे एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बड़े क्लियरली ये मेंशन किया था कि एमक्यूएम के लोग जो हैं, कुछ वर्कर्स और कुछ लोग जो हैं पार्टी के एमक्यूएम के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं और वर्कर्स जो एमक्यूएम हैं एमक्यूएम के हैं, वो पीपल्स पार्टी में शामिल होने को तैयार हैं और उनके राबते पीपल्स पार्टी से हो चुके हैं। और अभी आपने रिसेंटली देखा भी कि जनाब आसिफ जरदारी साहब के साथ एमक्यूएम के लोगों की मुलाकातें चल रही थी, लेकिन वो क्लिप याद दहानी के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्योंकि फरियाल तालपुर साहिबा ने कुछ अर्सा पहले इसकी निशानदेही कर दी थी, वो ज़रा क्लिप देख लीजिए ताकि मैं आगे चल सकूँ। एमक्यूएम के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस पार्टी से आना चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी। People's Party? जी, they want to come into People's Party. कब आ रहे? Soon. बहुत सारे वर्कर और कुछ लोग तो आ भी गए हैं हमारे पास। देखा जी, आपने फरियाल तालपुर साहिबा पहले ही इस चीज़ की निशानदेही कर चुकी हैं कि जनाब एमक्यूएम से लोग आना चाहते हैं और आ रहे हैं उनके पास, और अब आपने देखा जी पिछले एक दो रोज़ से मुलाकातें जारी हैं और एमक्यूएम के लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही मैं एक और चीज़ भी आपको दिखाना चाहूँगा बिफोर आई गो टू माई गेस्ट जी, जिनका इंट्रोडक्शन मैं कराना चाहूँगा, लेकिन पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी एक इसी किस्म की बात की थी कि जनाब, जिसका मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जनाब इस पार्टी को, इस मर्जर को, पीएसपी को और एमक्यूएम का मर्जर जो है इसको एक नया नाम भी दिया जाएगा, लेकिन जब पार्टी की बात हुई थी, पार्टी को हेड करने की बात हुई थी, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा था और कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ना मुशर्रफ साहब इसको हेड करेंगे ना इशरत आबाद साहब हेड करेंगे। वो भी देख लीजिए और आगे चलिए। कोई रोल मिल सकता है आइंदा आने वाले दिनों में मुशर्रफ साहब को, कोई ऐसा रोल मिल सकता है साबिक गवर्नर सिंध को, इशरत आबाद को? हंस रहे हैं आप।
मुख्तसर सा जवाब दे, वो कह रही है वाइंड अप करें, वो लोग कह रहे हैं नहीं, मेरा ख्याल है कि दोनों को नहीं, दोनों का टाइम खत्म हो गया और टाइम अपने अपने उन्होंने जो है वो अदवार गुजार दी और मैं समझता हूँ कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कोई रोल है जी। पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं जनाब मुस्तफा कमाल साहब के जनाब मुशरफ साहब या इशरत इबाद साहब नया मर्जर जो है उसको हेड नहीं करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जी इस वक्त शैला रजा साहिबा पीपल्स पार्टी से, रऊफ सदीकी साहब एमक्यूएम से और आसिया इसहाक साहिबा पीएसपी से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। जो सियासत है वो कराची की बड़ा टिपिकल सा ये सेंटेंस है, लेकिन सियासत कराची की चेंज हो चुकी है। शैला रजा साहिबा, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, इसका इम्पैक्ट जो है, जो अभी ये जो मर्जर हुआ है इस पीएसपी का और एमक्यूएम का, इसके क्या असरात होंगे पीपल्स पार्टी पे और पीपल्स पार्टी क्या गेन करेगी या लूज करेगी ऑन ग्राउंड जी? शुक्रिया राना मुबशिर साहब। ये बात अभी कबल वक्त होगी कि इन दोनों के मर्जर का क्या इम्पैक्ट होगा, इसलिए कि हाल ही में 5 नवंबर को जो फारूक सत्तार साहब ने जलसा किया था उसकी जो क्लिप वायरल हुई है एंड जब हो रहा था जलसे का, तो उसमें जी अल्ताफ के नारे लग रहे थे और वो इतने फलक शिगाफ थे कि जो वीडियो वायरल हुई है उसमें नजर आए हैं। और हम ये मर्जर जो है ये इसलिए हमें अजीब सा नहीं लगा कि 114 में हमने कहा कि तमाम जो वर्किंग कैडर था वो मिलके काम कर रहा था और यहाँ तक के उस वक्त जो है आफाक अहमद साहब ने भी कहा था कि महाजिर कौमियत के लिए और इसके लिए मैं सपोर्ट का ऐलान करता हूँ। और इस बड़े जलसे से पहले भी जो कराची में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए उसमें लफ्ज महाजिर को अहमियत दी गई और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, तो इससे मैं ये नतीजा लगा अक्स करती हूँ कि अल्ताफ हुसैन के बाद ये दोनों ग्रुप जो है वो जो एक खला था उसे फिल नहीं कर सके और अलग अलग खड़े नहीं हो सके और फाइनली फारूक सत्तार ग्रुप जो एमक्यूएम पाकिस्तान है, जो कल तक परसों तक ये कह रहे थे कि अब अगर हमारे लोग वहां पे जबरदस्ती बिठाए गए तो हम सब असेंबली से इस्तीफा दे देंगे और वक्तन फवक्तन ये बयान दे रहे थे कि हमारे लोगों पर दबाव डाला जा रहा है कि वो लॉन्ड्री से धुलकर वहां चले जाए, इन्हीं के अल्फाज हैं। तो यकीनन कि ये बात सोची जा रही है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा जी, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा शैला बीबी? मतलब कि मैं इम्पैक्ट इसलिए पूछ रहा हूँ कि देखें, एक 8.5 लाख वोट पड़ता है पीटीआई को कराची में, लेकिन वो वहाँ पे उसको मेंटेन नहीं रख सकते, इलेक्शंस में आगे चलते हैं तो पीएसपी बन जाती है, पीएसपी के बाद जनाब एमक्यूएम, जनाब वो कहते हैं कि पाकिस्तान है लेकिन उसमें भी क्वेश्चन मार्क्स रेज किए जाते हैं कि पाकिस्तान नहीं है, ये वही एमक्यूएम है जो अल्ताफ हुसैन पीछे बैठ के रन करते रहे, ये क्वेश्चन मार्क आता रहा और ये चलता रहा, उसकी क्लैरिफिकेशन फारूक सत्तार साहब देने की कोशिश करते रहे, लेकिन फिर भी डीप इन द हार्ट्स पीपल वर नॉट बाइंग इट, और यही कहा जाता था कि अल्ताफ हुसैन पीछे हैं और इन लोगों के रबते हैं उन लोगों से। सो अब ये नया मर्जर होने के बाद वे डू दे स्टैंड, क्योंकि इसमें आप लोग अगर ये इसी तरह रहता, दो हिस्सों में रहती एमक्यूएम, पीएसपी होती और एमक्यूएम होती, तो डेफिनेटली आप लोग पीपल्स पार्टी वाले गेन करते वोट, क्योंकि वो टूट जाता। और अब मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ टाइम नहीं हो जाएगा? मैं जरा रऊफ सदीकी साहब से पूछ लूं इसका जवाब, फिर नहीं, मैं नहीं समझती हूँ। अच्छा, मैं नहीं समझती हूँ। अच्छा, इसलिए कि आज जो दोनों लीडर्स थे उनकी गुफ्तगु मशरक मगरिब हो रही थी। एक जो है फारूक सत्तार साहब, वो हमेशा कहते हैं कि बानी कायद का एहतराम और इज्जत अपनी जगह, और एक शख्स कहता है कि मैं उसे दफन कर दूंगा, वो कहते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान है, वो कहते हैं मैं एमक्यूएम के नाम पे सियासत ही नहीं करूंगा। अच्छा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पीपल्स पार्टी पे, नंबर 1। नंबर 2, क्या बल्दिया का जो इशू था
और बल्दिया फैक्ट्री का जो इशू था जो बना हुआ है उसकी वजह से कोई प्रेशर था कि जिसकी वजह से ये दोनों पीएसपी और एमक्यूएम मर्ज होने को जा रही है जी? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये मर्जर नहीं हुआ है। अच्छा, क्या हुआ है? तो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ है, क्योंकि ये और ये सडनली जो आज खबर महसूस हो रही है हैरानकुन, ये कई माह से इस पर वक्तन फौक्तन राबता कमेटी में भी इजलास होते रहे हैं। नहीं नहीं, अभी तो अवाम के सामने रऊफ सदीकी साहब दो ऐसी चीजें, दो पार्टियां बैठ गई जो कि कल को देवर पोल्स अपार्ट और दोनों एक दूसरे के खिलाफ, फारूक सत्तार साहब के खिलाफ तो बात नहीं करते थे मुस्तफा कमाल साहब, और ना मुस्तफा कमाल साहब बात करते थे फारूक सत्तार साहब के खिलाफ बात करते थे मुस्तफा कमाल के, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करते, लेकिन पार्टीज के अंदर एक कश्मकश थी और बड़ा ऑब्वियस थी वो, उसमें तो आप डिनाई नहीं कर सकते उसको। ठीक है, आप अपनी प्राइवेट महफिलों में जरूर मिलते थे, उन बातचीत भी होती थी, गपशप भी होती थी और वो चलता रहता था, लेकिन आज तो एक धमाका हुआ ना जी, तो इसके कोई ना कोई रीजन तो होंगे, बल्दिया का इशू था या कोई और इशू था, और नए नाम के साथ एमक्यूएम आएगी क्योंकि एमक्यूएम को तो ऑपरेशंस भी ख़त्म नहीं कर सके, लेकिन मेरे ख्याल में अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी और आज ये दिन देखना पड़ा, ऐसा ही है कुछ या कुछ और है? जी हाँ, मतलब ये जो आखिरी बात आपने की, ये एक ऐसा अफसोसनाक सानिया हुआ है जिसका इम्पैक्ट पूरी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के ऊपर रहा। कौन सा आखिरी वाली बात? माजरों ने सोचा मेरी आखिरी कौन सी बात की बात कर रहे हैं आप जी? 22 अगस्त वाली बात कर रहा हूँ मैं। 22 अगस्त को क्या हुआ था? 22 अगस्त को जो जलसा हुआ था जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए थे, मैं उसके हवाले से जो आपने आखिरी बात की थी, तो ये एक अफसोसनाक वाकया हुआ था जिसकी वजह से पूरी महाजरों में एक तशवीश की लहर दौड़ी थी, और वो तो फिर एक लंबी कहानी हो जाएगी, आपका सवाल का जवाब रह जाएगा इसके अंदर। जी जी, मैं ये तो ये मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये नहीं कहा कि इनके साथ मुज़ाकरात, बल्कि ये राबता कमेटी एमकेएम पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ कि वक्तन फौक्तन ये गुफ्तगू होती रही है और इसके अंदर ये बात दोहराई जाती रही है कि ये मर्जर मर्जर वाली बात जो थी। फिर क्या बोलेंगे इसको, अगर मर्जर नहीं है रऊफ साहब तो ये क्या है फिर? जी मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि जो आज जो इजलास था तवील तरीन इजलास था, और फिर उसके बाद मेरे ख्याल में 800-900 के करीब मजीद जिम्मेदारान थे, उनके साथ भी डॉक्टर फारूक सत्तार की सरबरा जो हैं एमकेएम पाकिस्तान के, उन्होंने खिताब भी किया वहाँ पे। तो इजलास में ये बात सामने आई कि इस वक्त पीएसपी और एमकेएम पाकिस्तान ये दो सियासी जमातों का एक इत्तेहाद होगा सियासी, और ताकि ये ग्रेवेंसेस खत्म किया जाए, क्योंकि अगर ये तशवीश बढ़ती चली जाएगी और ये तकारीर और ये गुफ्तगू का अंदाज रहेगा तो कहीं नीचे कोई बड़े मसाइल खुदा न खास्ता खड़े ना हो जाए। और ये मसाइल से क्या मुराद है रऊफ साहब, कौन से मसाइल खड़े हो सकते थे? मसला ये है कि देखिए ना, एक क्लैश की कैफियत बढ़ जाएगी धड़ों में आपस में, तीसरा कोई ग्रोह जो है वो इसका फायदा उठाएगा, और ये बात शुरू हो जाएगी कि शायद इसने उसको मारा, उसने उसको मारा। आज कम से कम ये हुआ है जो मैंने जो बात कर रहा हूँ कि एक मिनिमम एजेंडा, और वो ये था कि एमकेएम पाकिस्तान अपनी जगह, पीएसपी अपनी जगह। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको खदशा था कि नीचे कोई क्लैश हो सकता है? नहीं, नीचे क्लैश से कहीं ज्यादा खतरा यह था कि कोई तीसरी पार्टी फिर करना शुरू कर दे और कभी इस पे इल्जाम डाले तो कभी उस पे इल्जाम डाले। और तीसरी पार्टी कौन सी हो सकती थी रऊफ साहब जी? तीसरी पार्टी कौन सी हो सकती थी? तीसरी पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तीसरा कोई भी ग्रोह हो सकता था जो इसका फायदा उठाकर। आपका कहने का मकसद ये है कि एमकेएम के अंदर एक तीसरा ग्रोह बनने जा रहा था? नहीं, एमकेएम के अंदर नहीं कह रहा हूँ मैं दीगर जमातों में। मिसाल के तौर पे पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि कालादम तंजीमें दो अफराद यहाँ के मारती थी और दो अफराद एनपी की मारती थी, और आपस में एक कद्दोगारतगरी का एक इशू बना, बहुत बाद में पता चला कि नहीं जी ये तो कोई तीसरे ही ग्रोह है जो काम कर रहा है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर इसको बढ़ाएंगे तो फिर असल बात आपकी रह जाएगी, उसका जवाब रह जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज के इजलास के अंदर बाकायदा पूरी राबता कमेटी मौजूद थी, इख्तलाफ राय जरूर था, इख्तलाफ राय होता है, और आखिर में ये तय हुआ
कि ये इख्तियार दिया गया कि यदि अपनी शिनाख्त के साथ यानी एमक्यूएम पाकिस्तान अपनी शिनाख्त के साथ रहेगी, अपनी पतंग जो उनका इंतखाबी निशान है वो पतंग के साथ रहेगा और प्लस तो अभी अभी जो है रऊफ सिद्दीकी साहब अभी जो है अभी आप ये कह रहे हैं कि पार्टी का एक नाम नहीं होगा, पीएसपी और एमक्यूएम एक नाम से नहीं आगे आएगी और उसके बाद जनाब एक इनका इंतखाबी निशान नहीं होगा, ये कह रहे हैं आप? जी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो इत्तेहाद हुआ है इसको इत्तेहाद कहेंगे, दो सियासी जमातों का इत्तेहाद है, इसमें तीसरी भी आ सकती है, चौथी भी आ सकती है, लेकिन इलेक्शन अगर इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो मुख्तलिफ निशानों के साथ लड़ने जाएंगे आप लोग? जब जब वो इलेक्शन का वक्त आएगा और उस वक्त कोई इंतखाबी इत्तेहाद होगा, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, ये बात वहाँ नहीं हुई है, जैसे एमएमए थी, सब जमातें अपनी अपनी जगह थी और एक संबल के ऊपर इलेक्शन लड़ा गया था, लेकिन ये अभी सारी बातें कब्ज वक्त है, अभी तो मिनिमम एजेंडा सिर्फ ये है कि दो सियासी जमातों का इत्तेहाद हो और ये तमाम जो आप देखे ना, लेकिन इस चीज का फैसला आप लोग बाद में करेंगे कि मुख्तलि आप के जैसे एमएमए का इंतखाबी निशान एक था, इस आप ये कह रहे हैं कि सारी जमातें मिलकर इंतखाबी निशान एक होगा और फिर इलेक्शन लड़ेंगे, यही कह रहे हैं ना? ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि इंतखाबी इत्तेहाद ना हो और एमक्यूएम अपने तौर पे लड़े, और वो भी मैं बता रहा हूँ कि ये जब वक्त आएगा उस वक्त की सूरत हाल को देखकर ये भी हो पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी तो एक अलायंस की सूरत जमाते अपने अपने मंशूर के साथ अपने अपने गुफ्तगू के साथ अपनी तमाम चीजों के साथ आगे बढ़ेगी ताकि ये जो नीचे तश्वीश पाई जा रही है, देखिए मैं आपकी तरफ आता हूँ रऊफ साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ, आसिया इसहाक साहब अक्सर भी पूछ लूँ उनकी क्या इनपुट है, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। आसिया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स? आप लोग जैसे रऊफ सिद्दीकी साहब कह रहे हैं और शैला रजा साहबा कह रही हैं कि उनको तो पीपल्स पार्टी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एमक्यूएम के लोग टूट कर पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं और बड़े अरसे से उनके साथ रबते में थे और बाय इलेक्शन जो हुआ उस वक्त से उनके साथ रबते में थे, और रऊफ सिद्दीकी साहब कहते हैं जनाब कि ये एक इत्तेहाद ज़रूर है और ये बाद में फैसला किया जाएगा कि जनाब कौन से इंतखाबी निशान के तले रहकर इंतखाबात की तरफ जाना है अगर इंतखाबात होते हैं तो। आप क्या कहती हैं, क्या कोई प्रेशर्स थे या कोई और वजूहात थी जिसकी वजह से ये इत्तेहाद कह लें मर्जर कह लें ये हुआ? शुक्रिया राना। देखें सब ये मेरी आवाज़ ही मुझे इको आ रही है, लेकिन मैं जी आपकी आवाज़ आ रही है, ज़रा बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर जिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तो उनको फारूक सत्तार साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब के अल्फाज को ज़रा सा देखना होगा कि क्या कहा गया है, और कहा यह गया है कि ये आज से नहीं, एकदम ऐसा नहीं हुआ कि एक रात में उठे और दिन में बैठे और फिर अचानक ही हो गया, पिछले 6 महीने से जो है, और जो मुस्तफ़ा कमाल भाई और हम बार बार अपने टॉक शोज के अंदर भी ये बात कह रहे थे कि रवाबित मौजूद हैं, राबते मौजूद हैं, वो तो ऑब्वियस है, वो तो है, बिल्कुल है, जिसको ठीक है ना, सबको पता। और 6 महीने से इसी काम पे राना लगे हुए थे कि देखें जब तक एमक्यूएम का नाम जिंदा रहेगा, क्योंकि ये चाहे आप कुछ भी कर लें ये नाम जुड़ा रहेगा अल्ताफ हुसैन के साथ, और अल्ताफ हुसैन वो मेनस है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, जिसने चलाने की बात की, तो आज पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो कि पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, आज उनके लिए एक खुशी का दिन होना चाहिए कि एक ऐसे शख्स की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो रहा था। और यकीनी तौर पे आज का जिसको ये अभी रऊफ भाई अलायंस कह रहे हैं वो कुछ कह रहे हैं, लेकिन देखें वर्ड्स के ऊपर जाएं, मैं फिर ये कहूंगी कि मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार के अल्फाज के ऊपर जाएं, उन्होंने कहा जी हम एक मंशूर एक पॉलिटिक्स एक निशान के ऊपर जो है वो 2018 का इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन रऊफ सिद्दीकी साहब कुछ और बात कर रहे हैं, आसिया रऊफ सिद्दीकी साहब कुछ और बात कर रहे हैं, रऊफ सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि उनका अपना मंशूर होगा, हर एक का अलग 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 मंशूर होगा। देखिए मेरी बात सुन, नहीं नहीं इन्होंने फारूक सत्तार भाई की फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस सही से खुद भी नहीं सुनी, फिर ये तो वहां पे मौजूद थे, क्यों नहीं सुनी खुद ये कहा, मैं भी तो वहां मौजूद थी ना, तो आप भी मौजूद थे, आपके भी चैनल्स मौजूद थे,
एक मंशूर, और ये देखिए अभी अभी जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी ये चीज़ें खुलती चली जाएंगी और ये चीज़ बिल्कुल वाजे हो जाएगी कि MQM जो है वो अल्ताफ़ हुसैन की थी, अल्ताफ़ हुसैन की ही रहेगी। इसलिए अगर ये अलायंस के अंदर भी सारा सिलसिला आ रहा है सब कुछ, तो डेफिनेटली MQM अपनी शनाख्त को ख़त्म करके इस अलायंस के अंदर आ रही है ना। तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि वो एक उस थोड़ा सा फर्क है और मैं उसको चाहूंगा क्लैरिफाई अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो शैला रजा साहब बताएं कि जनाब ये आप दोनों PSP और MQM अभी एक पेज पे हैं या अभी भी कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन है। एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो आप लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं, आपके पास मेहमान मौजूद हैं उनसे बात भी कर सकते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जनाब आसिया इसहाक साहिबा से, शैला रजा साहिबा से और रऊफ सिद्दीकी साहब से। रऊफ सिद्दीकी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी आने वाले वक्त में डिसाइड किया जाएगा कि एक इंतखाबी निशान के अंडर ये दोनों PSP और MQM ये इलेक्शन लड़ेगी या नहीं लड़ेगी या आगे क्या होना है। लेकिन आसिया कुछ और बात कर रही हैं, कह रही हैं जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा क्लियरली मैंशन कर दिया गया था। शैला रजा साहब से भी पूछूंगा बाद में, लेकिन व्हाट इज दिस कन्फ्यूजन जी, ये कन्फ्यूजन क्यों है? रऊफ सिद्दीकी साहब आप कुछ और कह रहे हैं, आसिया कुछ और कह रही है, अभी तो कुछ ही घंटे हुए आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जॉइंटली और अभी कुछ चीजें मेरे ख्याल में हल तलब है। देखिए मैं एक बिल्कुल वाजे तौर पर बता रहा हूँ कि आप उठा के देखिए तमाम TV चैनल्स के ऊपर तमाम पार्टी की हाई कमान बैठकर इस वक्त इंटरव्यू दे रही है। मैंने आपको बताया कि पार्टी का हाईएस्ट फोरम है, इसके ऊपर पार्टी सरबरा ने जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार ने पूरी तफसील के साथ तमाम जुजियात के साथ हर बात बताई। और उसमें पहली बात ये थी कि एक मिनिमम एजेंडा ये है कि एक सियासी इत्तेहाद होगा, दोनों एक इत्तेहाद के साथ होंगी, दोनों की आइडेंटिटी अपनी अपनी होगी, उनके झंडे अपने होंगे, उनका निशान अपना होगा, नंबर एक, पहला तो ये है। और पूरे हाउस ने उसको बहस और मुबाहसे के बाद इसको मंजूर किया और ये इख्तियार डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को दिया। उसके बाद एक बहुत बड़ा इजलास दीगर जिम्मेदारान का था जो लोकल लेवल के थे, उनके साथ भी यही बातचीत हुई कि अभी तो इंतखाबात दूर की बात है ना, अभी तो इत्तेहाद की बात हो रही है और इंजमाम कहलाता है मिल जाने को, मर्जर को, और इत्तेहाद कहते हैं कि अपने अपनी दो सियासी जमातें मिलकर अपने इस काम अपने मंशूर के साथ अवाम के दरमियान होंगी। अब अगर आगे चल के कोई इत्तेहाद होता है और ये एक खुशगवार इत्तेहाद होता है तो फिर भी है, वरना आप मुझे बताइए कि अगर पहले ही स्टेज के ऊपर इतने तंज और तश्ना शुरू हो जाए तो फिर इसका फायदा क्या होगा, लेकिन इसका नुकसान नहीं। देखिए मैं एक चीज आपसे रऊफ साहब, आपकी बात मैंने बड़ा क्लियरली सुनी, बड़े तहमुल से सुनी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ क्लैरिटी, ऑब्वियसली आप दोनों की PSP के अंदर भी और MQM के अंदर भी क्लैरिटीज़ होंगी, कुछ चीज़ें जैसे आप ख़ुद बता रहे हैं कि आपने प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो डिस्कस किए अपने लोगों के साथ और फिर आप लोग बाहर आए ना मीडिया के सामने मिलकर, सो वो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, क्योंकि आप लोगों के अंदर, क्योंकि आसिया बीबी जो कि आसिया डू यू एग्री विद दिस थिंग, क्योंकि मुझे मैं एक सवाल ऐसा है जो कि लोगों के जहनों में है, मैं उसको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ और मुझे अगर आप क्लैरिफाई कर दें कि रऊफ साहब ने साथ बता दिया बट यू आर सेइंग समथिंग एल्स। मुझे आवाज, आपको आवाज नहीं आ रही, लाइन ड्रॉप होगी। शैला डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? शैला रजा साहिबा, ये कोई नई बात नहीं है, देखिए एक एक बात दोनों गलत कर रहे हैं। हाँ। आसिया साहिबा ने ये बात गलत की है कि छह महीने से बात चल रही, अगर छह महीने से बात चल रही थी तो अरशद वोरा के जाने पर ये क्यों कहा गया
कि अरशद वोरा पर बहुत ज्यादा मुकदमात थे, वो इसलिए चले गए, ये फारूक सत्तार ने कहा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम पर मजीद हमारे लोग तोड़े गए तो हम सारे रिजाइन कर देंगे, रिजाइन कर देंगे, ठीक है, सही है। और इसके अलावा ये वाले बयान भी जो मैं कह रही हूँ, फिर रात को कल जो इनके इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह था उसमें जो है मुस्तफा कमाल ने कहा कि हम दफन कर देंगे, जिसपे सुबह असेंबली पे महफूज यार खान ने एहतजाज किया। मैं नहीं समझती कि ये 6 महीने से बातचीत चल रही थी, वरना कम अज कम ये वाले बयानात फारूक कतार नहीं देते। और आज जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो इंतहाई कंफ्यूज थी, और उनको मुस्तफा कमाल ने कहा कि इनकी बड़ाई है ये सब कुछ खत्म करके छोड़ करने पे तैयार हो रहे हैं। और फिर ये भी कहा गया कि हमारा एक मंशूर होगा, एक निशान होगा, और मैं लव MQM पर सियासत नहीं करना चाहता, और हम सब मिलकर एक होंगे, लेकिन अभी यही रहेंगे। और यही मेरा इख्तलाफ है कि भाई अगर आप इन फ्यूचर एक होंगे तो आप जिस चीज को सुनना नहीं चाहते भी उसको आपने क्यों रखा हुआ है, और जब आप अपने आप को इन फ्यूचर चेंज कर रहे हैं तो आप अभी चेंज कर लें। लेकिन ये इसलिए नहीं है कि अभी बहुत सारे मसाइल हैं, सब कुछ अच्छा नहीं है। और इसी मसले में शैला रजा साहब के जितने लोग आपके पास आ चुके हैं MQM से, आपके ख्याल में कुछ और लोग भी आना चाहते हैं? जहां तक मुझे समझ आती है, जो फरियाल तालपुर साहिबा ने कहा था इंटरव्यू में कि कुछ MQM से वर्कर्स भी आ चुके हैं पीपल्स पार्टी में, और कुछ लोग जो है वो तो बड़े ऑब्वियस है, उनके तो फोटोशूट चल रहा है, सामने नजर आ रही है तस्वीर TV पे, वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को आकर MQM से। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी अभी तक तस्वीर सामने नहीं आई और वो भी ज्वाइन करने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी को, आप उनकी निशानदेही कर सकेंगी? जब इनके यहाँ इरम फारूकी का मामला चला था जी, और जो कि फिर नहीं शामिल हुई, अगर ऐसा हो जाता तो एक बहुत बड़े मेंबर्स की तादाद MQM से टूट जाती है। अच्छा। और इसके अलावा जब ये गुफ्तगु इनके यहाँ चल पड़ी होगी तो हमने देखा कि आमिर मकबूल साहब और आमिर खान और जो है क्या नाम है मकबूल, वो चले गए पाकिस्तान से। और इसके अलावा एक बात ये भी है कि जो MQM पाकिस्तान है, मैं एज डेप्यूटी स्पीकर ये बता रही हूँ कि 50% MPAs नहीं आते, वो आज भी अपने आप को रिलेट करते हैं अल्ताफ हुसैन से, आज भी सिर्फ 20 थे और बजट में भी 24 बहुत शायद मुश्किल से हुए हों। तो ये बात कहना कि एक बहुत अच्छा असर होगा, नहीं होगा, मैंने कहा ये दोनों गैप फिल नहीं कर सके। और आज जो जीरत लोग हैं वो ये समझेंगे कि पहले अल्ताफ हुसैन ने भी महाजिर का नारा लगाया, आज बड़े वाजे इन्होंने महाजिर कम्युनिटी से हूँ लेकिन नहीं करूंगा, उन्होंने भी बाद में उसको महाजिर कौमी मूवमेंट को मुत्तहदा में चेंज कर दिया था। और रही बात यहाँ तक की कि तीसरे लोग मारेंगे तो तीसरे ने नहीं मारा था, हकीकी की हाथ से लाशें इनकी गिराई गई थी, इनके लोगों ने हकीकी की लाशें गिराई थी। तो मामलात अभी इतने अच्छे नहीं है कि 6 महीने से चल रही थी। अभी थोड़े दिन पहले फारूक सत्तार ने कहा कि 5 लोग मार दिए गए। अच्छा। और उन्होंने मारे, उन्होंने कहा हमारे इतने मारे। ओके, तो ये है। So ये जो इसने इतने मारे और उसने उतने मारे, शैला बीबी राणा साहब एक बात में करना चाहती थी, ये बहुत अहम बात है जी। हमारे पास जो लोग हमारा मिलना होता है बहुत सारे लोगों से, मैं भी वर्कर हूँ, तो हमें ये बड़ी शिकायत मिलती है कि लोग डायरेक्ट कहते हैं कि एक दिन गिरफ्तार करने के लिए आया जाता है और फिर अगले दिन मुस्तफा कमाल पहुंच जाते हैं और कहते हैं परेशानी की कोई बात नहीं। तो ये मसले हमें कराची में, जाहिर है कि हम अगर सियासी लोग हैं हमें सुनने में आ रहे हैं। और इसमें मेरे ख्याल में कोई इतनी ठीक है, आपको आपने सुनी होंगी ये बातें, और इसमें कितनी हकीकत है वो मेरे ख्याल में आसिया से पूछ रहे हैं। आसिया, इज देयर एनी ट्रूथ इन ऑल दीस थिंग्स जो शैला रजा साहिबा कह रही है?
देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अगर इस तरह की कोई चीज़ होती, सूरत हाल होती, तो मेरी पार्टी का सदर जो है वो 5 महीने जेल के अंदर नहीं रहता, एक बात। और दूसरी चीज़ जो ये बात कर रही हैं शैला बीबी, देखिए एक तो उन्होंने ख़ुद भी बताया कि उन्होंने साफ लफ्ज़ों में सुन लिया कि एक मंशूर और एक ये, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है राना वो ये कि अगर इस शहर के लिए कोई कुछ अच्छा होने जा रहा है, इस शहर की भलाई के लिए दो पार्टियां जो हैं वो अपने अपने एक एक स्टेप पीछे हटके अपनी अनाओं को बालाए ताक रख के इस शहर के मफाद में, सूबे के मफाद में और पाकिस्तान के मफाद में काम करना चाह रही हैं, तो उसमें परेशानी तो सिर्फ उनको होगी जिनको पाकिस्तान से प्रॉब्लम होगी, और जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत होगी उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई शख्स गलत काम कल कर रहा था और आज वो उसको छोड़ना चाहता है, तो क्या ये अच्छी एक रिवायत है कि नहीं आप उसको ये याद दिलाएं कि नहीं वो बुरा था, वो बुरा था? वो भाई बुरा कौन नहीं है? क्या सबको नहीं पता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर क्या हशर कर दिया है? क्या सबको नहीं पता कि थर के अंदर रोजाना बच्चे मर रहे हैं? क्या सबको ये नहीं पता कि यहां पर स्टंटेड ग्रोथ जो पाकिस्तान में है उसका 60% सिंध के अंदर है? तो इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, एक चीज जो अच्छी होने की। अच्छा शैला बीबी इसका जवाब देना चाहती है। जी शैला बीबी करें जी, मैं ये फिर शैला बीबी का जवाब दूंगी। जरूर दें जी, मेरे पास वक्त जो है 2 मिनट रह गए। बिल्कुल, ये इसीलिए जस्ट बैठे हैं। देखिए थर में बच्चे मर रहे हैं तो उसकी सबको सूरत हाल पता है, वहाँ की कस्टम प्रॉब्लम है, और हमने जो है वो करके वो हालात रखे हैं जो उससे पहले कभी भी पाकिस्तान जब से बना है थर में ये बात नहीं की गई थी जो हमने फैसिलिटीज दी है। जहाँ तक कराची की भी बात है तो हमारी गवर्नमेंट ने मुस्तफा कमाल से ज्यादा काम किए, जबकि हमारे पास वो पैसा नहीं था जो मुशर्रफ ने दिया और जिसका ऑडिट नहीं हुआ था। हाँ, हमने 50 आदमी एक दिन में मार के हाथ नहीं उठाए हैं, और अगर किसी ने बुराई छोड़ी है ये तो वक्त बताएगा छोड़ी। अभी तो दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे कि हमारे बंदे इसने मारे और इसने मारे पांच, इसने मार दिए पांच। और हमें ये याद रखना चाहिए कि कराची के लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि जब किसी पार्टी कराची में हम इस तरह आया है कि चाहे चाइना कटिंग हो, चाहे भत्ता हो, चाहे मोबाइल छीनने वाले हो, वो किस पार्टी के लोग पकड़े गए। अच्छा, और असल बात जो है वो ये है कि ये सब इतना अच्छा नहीं है जो आप कह रहे हैं। ओके, ये 55 57 57 साल के लोग जो अब रो रहे हैं, तो बानी M2M तो 92 से बाहर है, उनके कहने पे 40-40 लाशें उनकी रूह आके नहीं गिरा रही थी, यही गिरा रहे थे। ये तो इसलिए आज अच्छे हो गए कि किसी को कुछ चीज मेमोरियल में बंद करके 22 मारे गए। मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि वो आप बलूचिस्तान के लोगों को जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे थे, एक मिनट शैला बीबी, जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे थे, जो फाटा के अंदर दहशतगर्दी थे, आप उनको तो फूलों के गुलदस्ते देते हैं, आप उनको मेन स्ट्रीम के अंदर लाते हैं, उनको 5-5 लाख रुपए देते हैं, लेकिन जब कराची का बच्चा जो है वो अगर पीछे हटना चाहता है तो आप उसके लिए जो है वो सिर्फ गोली रखते हैं, आप उसके लिए जेल रखते हैं। खुदा का वास्ता कराची का भी जो बच्चा है, इस बात का जवाब दे रही हूँ कि कराची डिजर्व द सेम एटीट्यूड, द सेम थिंग विच फाटा एंड विच बलोचिस्तान डिजर्व। ओके, शैला बीबी को बात कर लेने दें। आसिया बीबी, शैला बीबी कुछ बोलना चाह रही है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुई थी, जो कराची में लोग आए थे और वो वापस गए। सबसे ज्यादा तो डायलॉग परवेज मुशर्रफ ने किया था बीबी उन दहशतगर्दों से, और उन लोगों के साथ से वो दहशतगर्दों से डायलॉग करने वाले थे। वो आप हमें बता रही हो जिसके कायद को शहीद किया गया। हमारी तो लड़ाई ये है कि हम कहते थे कि